है ना नगेट्स या केक वगैरह बनाने के लिए। अंकल लास्ट वॉल की ये भी मजे का वैसे 900 रुपये किलो चलो 100 रुपये दे दे 900 रुपये किलो है तो बाहर ना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। गाइस आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, खुश और आबाद होंगे, रमज़ान के रोज़े अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और आखिरी अशरा हो और शॉपिंग ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो बस इसी कंसर्न में मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए सोचा कि आज शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि शॉपिंग। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट राउंड लगाते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शॉपिंग एक दफ़ा होती नहीं है। तो बस आज फिर हम निकले, तो आज देखिए हम क्या शॉपिंग करते हैं। जी तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कटरा बाज़ार गुजरात में, और यहाँ पे देखें कुछ अगर पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कहीं और चलेंगे। तो यहाँ पे ये दुपट्टे बड़े प्यारे लगे हुए थे और मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने कहा चलो इनका भी जो वीडियो है थोड़ी सी बना ली जाए। तो ये बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने फ्रॉक बनवानी थी शिफॉन की, उसके लिए उसको ज़रा कलर चूज़ करने में थोड़ा सा हो रहा था कलर कौन सा लें, तो अभी ये दो कलर हमारे सामने। जी तो गाइस प्लान कैंसिल, वो दोनों कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए, तो इसलिए हमने मूव किया एक और शॉप के ऊपर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की, आपको फैंसी कपड़े भी यहाँ से मिल सकते हैं और दूसरे भी जो कैजुअल यूज़ के लिए होते हैं लॉन के ड्रेसेस। और शॉपिंग करने जब मैं निकलती हूँ ना तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक शॉप पर आप जाएँ, तो बस फिर अभी कोई पसंद नहीं था आ रहा कलर बस, लेकिन इस शॉप पर यहाँ पर चूँकि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, कलर्स भी अच्छे होते हैं, तो फाइनली कुछ थोड़ा बहुत दिल को भाग गया था एक कलर। तो इनमें से ये तीन कलर थे मेन, इनमें से आप चूज़ करना था कि कौन सा लें, कॉम्बिनेशन करें या फिर सेम रखें। इस शॉप पे ना काफ़ी वैरायटी है, यहाँ पे आपको शिफॉन भी मिल जाती है, नेट भी, और दूसरे लॉन के ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। तो वैसे ये शादी वगैरह या कोई फंक्शन होना तो वहाँ के लिए ये दुकान बेस्ट है ना नगेट्स या केक वगैरह बनाने के लिए। बंदा ले ये देखो ये कितने प्यारे लगे हमें। गाइस चूँकि ड्रेस डिसाइड हो गया फाइनली, तो अब ड्रेस के बाद जो सेकंड काम है वो हमने लेस लगानी है, उस पर कुछ डेकोरेशन करनी है, स्टाइल वटाइल बनाना है, कुछ प्यारा सा फ्रॉक बनाना है। हाँ देखो हाँ नहीं दिखा रही नहीं ऊपर वाला बट यहाँ से ना मैंने एक ड्रेस लेना था अपनी सिस्टर का रेडी टू वेयर, लेकिन कुछ आस पास नहीं आया, सारे पुराने डिजाइन थे, तो सो प्लान कैंसल। अनदर शॉप, तो यहाँ से मैंने एक अनस्टिच ड्रेस लेना था, तो यहाँ से बस इतना रश था कि बस ड्रेस लेके मैंने निकलने वाली की, रोज़ा भी था ऊपर से और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बाकी जितनी भी शॉपिंग रह गई हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट राउंड में कर लेंगे, बस अब यहाँ से लेके ड्रेस तो हम बस घर को जाने लगे। तो आज जितनी मैंने शॉपिंग कर लिया थोड़ी बहुत हो गई है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो बस यहाँ पे ना थिम्बल बाज़ार में खोए की एक दुकान है, बहुत ही यम्मी किस्म का खोया होता है इनके पास, तो मैंने कहा अफ्तारी के बाद मीठा कुछ खाने का दिल करता है तो ये ले लेते हैं। खोया तो अभी जितनी हमने शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी, कपड़े लेने थे, लैसेस लेने थे, वो ले लिया है। तो अभी 4:30 हो गया और हमने सोचा यार चलना चाहिए, अब घर जाके अफ्तारी भी बनानी है। तो गाइज़ आपने मुझे बताना है आपने इतनी शॉपिंग कर ली या नहीं, कि आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। जी तो गाइज़ यहाँ पर मेरे ना पास एयरपॉड्स पड़े हुए थे, मेरी फ्रेंड ने भिजवाए थे और वो फिर उसकी मदर को मैंने देने थे जाके, गिफ्ट देना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो मैरिड है, तो उसने अपनी मदर के लिए गिफ्ट भिजवाया था मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ उनको भी दे आती हूँ, जाके ये काम भी हो जाए। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी शॉपिंग करनी थी कर ली, आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो बस अब घर मैं पहुँच चुकी हूँ, घर आके बस अफ्तारी का सामान
बनाना है, क्योंकि टाइम हो चुका था, 5 हो चुके थे, तो फिर ये चिप्स थोड़े से बनाए और साथ में ये समोसियाँ जो कि बहुत फेवरेट है। मेरी जो सिस्टर है वो बहुत मज़े की समोसियाँ बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो बस अभी वो उसमें फिलिंग कर रही है समोसियों में, और बाकी साथ थोड़े से समोसे और पकोड़े और फ्राइज़ हो जाएंगे बस, यही अफ्तारी में चलता रहता है। अब तो तीसरे इश्रे में वैसे भी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बंदा रोज़ खा के सेम चीज़ें ना थोड़ा सा फैडअप हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अगर ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, साथ में फ्रूट ज़रूर खाएं, उससे फिर आपका जो स्टमक है ना वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारी खाने पीने की रूटीन वैसे ही ख़राब हुई हुई होती है, तो इस वजह से स्टमक को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो गाइस खुश रहें, आबाद रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।